अब हम बात करते हैं वचन की। उसके लिए आप पृष्ठ संख्या 28 पर आएंगे, जहां आपको दे रखा है वचन। बच्चों, आपके पास कई सारे खिलौने होंगे, तो खिलौना एक नहीं है, कितने सारे हैं आपके पास? बहुत सारे हैं। इस वक्त आपके हाथ में पेंसिल भी होगी। हाथ में तो आपकी कितनी पेंसिल है? एक ही होगी, लेकिन हो सकता है कि आपके बॉक्स में कई सारी पेंसिलें हों। तो यहाँ पर हमें कैसे पता चला कि हमारे पास एक पेंसिल है और एक से ज़्यादा है, खिलौने भी एक है और एक से ज़्यादा है। तो यहाँ हमें वस्तु की संख्या का पता चल रहा है। तो वचन क्या कहलाते हैं? जिससे हमें वस्तुओं या व्यक्तियों की संख्या का पता चले। जैसे आप यहाँ उदाहरण देख सकते हैं, ये है हमारी पतंग। पतंग क्या है? ये एक ही है, लेकिन इस चित्र में एक से अधिक पतंग हैं, तो इन्हें हम क्या कहेंगे? पतंगे। ऐसे ही इस चित्र में सिर्फ एक ही तितली है, लेकिन इस चित्र में एक से अधिक हैं, तो ये क्या कहलाएं? तितलियाँ। तो इस प्रकार हमें पता चला कि ये एक है और ये अनेक। तो परिभाषा देखते हैं। शब्द के जिस रूप से संज्ञा के एक या अनेक अर्थात अधिक होने का पता चलता है, उसे वचन कहते हैं। किसी भी संज्ञा के एक या अनेक होने का पता चले। तो अभी हमने बात की थी कि वस्तु या व्यक्ति हो, एक होंगे या फिर एक से अधिक होंगे, तो उसके आधार पर वचन के भेद कितने होंगे? दो। कितने भेद होंगे वचन के? दो, एक वचन और बहुवचन। सबसे पहले हम देखते हैं एक वचन। जैसे कि हमें नाम से ही पता चल रहा है, एक, यहाँ पर क्या होगा? संख्या में क्या होगा? एक ही होगा। शब्द के जिस रूप से उसके एक होने का पता चले, उसे एक वचन कहते हैं। जैसे लड़का, पतंग और बेटी, ये सब क्या हैं? एक ही हैं। आइए कुछ और उदाहरण देखें। पौधा, क्योंकि ये पौधा एक ही है इसलिए क्या होगा? पौधा। गेंद, गाय, ये सभी क्या हैं? संख्या में एक हैं। बहुवचन, अब यहाँ भी हमें नाम से ही पता चल रहा है, बहु। बहु का अर्थ होता है अधिक। शब्द के जिस रूप से उसके एक से अधिक होने का पता चले, उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे लड़के, पतंगे, बेटियाँ, यहाँ पर हमें इनके एक से अधिक होने का पता चल रहा है। कुछ और उदाहरण में देखेंगे। गुब्बारे, यहाँ पर आप चित्र में देख सकते हैं एक से अधिक हैं, इसीलिए ये क्या कहलाते हैं? बहुवचन गुब्बारे। ऐसे ही मछली जो है यहाँ पर एक से अधिक है, इसलिए ये क्या हैं? मछलियाँ। ऐसे ही चित्र में बहुत सारी सब्जियाँ हैं, इसीलिए ये क्या कहलाएंगी? सब्जियाँ। वचन की पहचान हम किस तरीके से करते हैं बच्चों, ये हम यहाँ देखेंगे। कुछ शब्दों में वचन बदलने की पहचान क्रिया द्वारा होती है। जिस प्रकार हमने देखा था कि लिंग की पहचान कई बार हम क्रिया द्वारा करते हैं, उसी प्रकार वचन की पहचान भी उसकी क्रिया द्वारा होती है। जैसे हिरण दौड़ रहा है, हिरण दौड़ रहे हैं। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि हिरण, चाहे वो बहुवचन हो या एक वचन, लेकिन वो दिखने में समान ही दिख रहा है। लेकिन हमें पता कैसे चलेगा? इसकी क्रिया से। जैसे हिरण दौड़ रहा है, ये एक वचन है, और हिरण दौड़ रहे हैं, ये क्या हुआ? बहुवचन हुआ। कुछ संज्ञा शब्द भी बदल जाते हैं। कई बार जब हम वचन बदलते हैं तो उनके संज्ञा शब्द भी बदलते हैं। जैसे बच्चा पढ़ता है, बच्चे पढ़ते हैं। जिन वस्तुओं को गिना नहीं जा सकता, उनके बहुवचन के रूप नहीं बदलते। बच्चों, कई सारी वस्तुएं ऐसे होती हैं जिन्हें हम गिन नहीं सकते, जैसे दूध, पानी, शरबत, ऐसी चीज़ें जो हम गिन नहीं सकते। क्या आप इन्हें गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते, तो इनके बहुवचन के रूप नहीं बदलते। आदर देने में एक वचन में भी बहुवचन की क्रिया लगती है। जब हम किसी को आदर या सम्मान से बुलाते हैं या उन्हें सम्मान देते हैं, तो हम यहाँ पर एक वचन में भी बहुवचन का ही प्रयोग करते हैं। जैसे पिताजी आए हैं, ये बहुवचन दिख रहा है, लेकिन पिताजी तो एक ही है, एक ही वचन है, तो यहाँ पर हम बहुवचन में भी एक वचन में भी बहुवचन का प्रयोग करेंगे।
व्यक्तिवाचक और भाववाचक संज्ञाओं के बहुवचन रूप नहीं होते हैं। तो अभी हमने पढ़ा था कि व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है और भाववाचक संज्ञा क्या होती है, इनके कभी बहुवचन नहीं होते। आपका कोई नाम लेगा तो क्या आपको उसमें वो बहुवचन में बुलाएगा? नहीं, वो एक वचन में ही रहेगा। अगर आपका कोई मन का भाव है जैसे हंसी या खुशी, वो भी हमेशा कैसा रहेगा? एक वचन में ही रहेगा। आइए कुछ एक वचन और बहुवचन को देखें। जैसे पत्ता, तो इसके बहुवचन क्या हुए? पत्ते। कोआ, कोए। चूहिया, चूहियां। यहाँ पर हमने या के ऊपर चंद्र बिंदु लगाया है। मिठाई, मिठाइयाँ। यहाँ पर बड़ी ई को हमने किसमें बदला? छोटी ई में। कहानी, कहानियाँ। यहाँ भी हमने बड़ी ई को छोटी ई में बदल दिया है। अब हम इसके अभ्यास प्रश्न देखते हैं बच्चों। इसके लिए आप अपनी पुस्तक के पृष्ठ संख्या 30 पर आएंगे, वहाँ आपको मिलेंगे अभ्यास प्रश्न। प्रश्न एक देखते हैं। एक वचन और बहुवचन के शब्दों को अलग अलग करके लिखिए। यहाँ पर आपको कुछ शब्द दिए हैं जिनमें से आपको एक वचन को छांट करके एक वचन के नीचे और बहुवचन को छांट करके बहुवचन के नीचे लिखना है। जैसे पहला शब्द हमें दिया है माला, एक वचन शब्द है तो उसे हमने एक वचन के नीचे लिखा है। दवाइयाँ, दवाइयाँ बहुवचन है तो हम उसे बहुवचन के नीचे लिखेंगे। किताबें, किताबें भी बहुवचन है तो वो भी बहुवचन के नीचे ही आएगा। पतंग, पतंग एक वचन है इसलिए हम उसे एक वचन के नीचे लिखेंगे। चीज़, ये भी एक वचन है इसे भी हम एक वचन के नीचे लिखेंगे। शेर एक वचन है इसलिए हम उसे एक वचन के नीचे लिखेंगे। भाषाएँ बहुवचन है तो वो बहुवचन के नीचे आएगा। और गाय, ये भी बहुवचन है तो ये भी बहुवचन के नीचे ही आएगा। अब हम देखते हैं बच्चों प्रश्न तीन। प्रश्न तीन देखिए बच्चों। उचित शब्द द्वारा वाक्य पूरे कीजिए। यहाँ पर कुछ रिक्त स्थान आपको दिए हैं और उनके सामने कोष्ठक में आपको दो विकल्प दिए हैं। उन दो विकल्प में से सही विकल्प छांट करके आपको यहाँ पर लिखना है। जैसे क वाक्य है, रिक्त स्थान खेल रही हैं। कौन कौन से विकल्प है हमारे पास? लड़की और लड़कियाँ। तो अब हम यहाँ देखेंगे बच्चों, रही हैं, ह के ऊपर बिंदी है, इसका मतलब ये है कि ये बहुवचन का वाक्य है तो यहाँ पर आएगा लड़कियाँ। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? लड़कियाँ। ख वाक्य हमें दिया है, आसमान में अनेक रिक्त स्थान हैं। यहाँ पर भी हमें विकल्प दिए हैं तारा और तारे, तो यहाँ पर भी है के ऊपर बिंदी लगी है, इसका अर्थ ये है कि ये बहुवचन का वाक्य है तो उत्तर होगा तारे। ग वाक्य देखते हैं, पेड़ पर रिक्त स्थान चढ़ गई, तो यहां पर चढ़ गई ये एक वचन का वाक्य है तो हमें विकल्प में दिया है लताएं और लता, तो उत्तर होगा लता। इस प्रकार हम बाकी के वाक्य भी पूरे करेंगे बच्चों। जैसे कि मेरे मामा जी रिक्त स्थान लाए हैं फल और फलों, तो यहाँ पर आएगा फल। मछलियाँ पानी में ही रहती हैं, तो यहाँ पर हमने लिखी है मछलियाँ क्योंकि ये बहुवचन का वाक्य है। अब हम प्रश्न चार देखते हैं जो पृष्ठ संख्या 31 पर है। प्रश्न चार, है या हैं द्वारा रिक्त स्थान भरिए। है या हैं द्वारा आपको रिक्त स्थान भरना है। यहाँ पर आपको ये बताना है कि ये वाक्य बहुवचन का है या एक वचन का है, तो आपको है कहाँ लगाना है और हैं कहाँ लगाना है। जैसे क वाक्य है, माता जी खाना बना रही हैं, यहाँ पर हैं आएगा, है के ऊपर बिंदी। क्यों? क्योंकि हम बड़े लोगों को सम्मान के रूप में हम यहाँ पर बहुवचन में ही प्रयोग में लाते हैं। कोए उड़ रहे हैं, कौवे जो हैं उड़ रहे हैं क्योंकि यहाँ पर कौवे बहुवचन में है। खिलौना अच्छा है, यहाँ पर है आएगा क्योंकि खिलौना एक वचन है। उस गांव में दो बगीचे हैं, अब दो बगीचे बहुवचन है इसलिए यहाँ पर है आएगा। इस प्रकार आप बाकी के वाक्य भी पूरे करेंगे। अब प्रश्न पाँच देखते हैं बच्चों, जो प्रश्न संख्या 31 पर ही है। वचन की गलतियाँ सुधार कर दोबारा लिखिए। यहाँ पर आपको वाक्य दिए हैं जिनमें वचन की गलतियाँ हैं, आपको उन्हें सुधारना है और वाक्य दोबारा लिखना है।
जैसे आकाश में विमाने उड़ रहा है। अब रहा है से हमें पता चल रहा है कि ये एक वचन का वाक्य है, लेकिन हमें यहाँ पर विमान बहुवचन में दिया है, इसीलिए हमें इसे बदल करके लिखना है। आकाश में विमान उड़ रहा है, तो क्या होगा? आकाश में विमान उड़ रहा है। अब अगला वाक्य देखते हैं बच्चों, ख वाक्य देखते हैं। फर्श पर तिनका फैले हैं। मैंने अभी आपको बताया था, अगर है के ऊपर बिंदी है तो इसका अर्थ ये है कि ये बहुवचन का वाक्य है, तो यहाँ पर तिनका नहीं आएगा, क्या आएगा? तिनके। तो हम इसे दोबारा लिखेंगे, फर्श पर तिनका की जगह हम लिखेंगे तिनके, फर्श पर तिनके फैले हैं। ग वाक्य देखते हैं, पलंग पर सुंदर चादरें बिछी है। अब एक ही पलंग पर कई सारे चादरें तो नहीं हो सकती, सिर्फ चादर ही बिछी हो सकती है, तो यहाँ हम चादरें को बदल करके चादर लिखेंगे। तो दोबारा लिखते हैं इस वाक्य को, पलंग पर सुंदर चादर बिछी है। इस प्रकार आप बाकी के वाक्य भी पूरे करेंगे बच्चों। अब हम इस पाठ के कॉपी वर्क पर आते हैं बच्चों। कॉपी वर्क में आपको प्रश्न एक दिया है कि निम्नलिखित शब्दों के वचन बदलकर लिखिए। यहाँ पर आपको कुछ शब्द दिए हैं, इनके वचन बदलकर आपको लिखने हैं। जैसे क शब्द हमें दिया है रानी, जो कि एक वचन है, तो इसे हम बहुवचन में बदलेंगे तो हो जाएगा रानियाँ। तो रानियाँ लिखने के लिए हमें न पर बड़ी ई की मात्रा हटाकर छोटी ई की मात्रा लगानी होगी। अगला शब्द हमें दिया है रुपया, रुपया भी एक वचन है, तो इसे बहुवचन में बदलेंगे रुपये। उसके बाद ग है चूहिया, चूहिया भी एक वचन है, इसको बदलेंगे तो बहुवचन में हो जाएगा चूहियां। उसके बाद घ है मिठाइयां, मिठाइयां बहुवचन है, तो इसे हम एक वचन में बदलेंगे तो हो जाएगा मिठाई। जब हम इसे एक वचन में बदलेंगे तो छोटी ई जो है वो बड़ी ई में बदल जाएगी। इस प्रकार बाकी के भी देख लेते हैं। चिड़ियां, चिड़ियां भी बहुवचन है, तो इसे हम एक वचन में बदलेंगे तो हो जाएगा चिड़िया। और केले, केले भी बहुवचन में है, तो इसे हम एक वचन में बदलेंगे तो हो जाएगा केला। तो मुझे उम्मीद है बच्चों कि आपको ये पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।